वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स एंड चैप्टर नंबर 9। ये आपका टर्म 2 का है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 आपका क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये किस में होता है आपका, रोटेशन। एक रेस्ट बॉडी होती है जो कैसी होती है, सॉलिड। सॉलिड के लिए हम मानते हैं कि शेप और जो साइज होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। इस पे अगर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है जिसको हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, तो उसमें शेप और साइज में हल्का सा चेंज होता है, लेकिन उसको वापस छोड़ देने पे वो अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाती है। जैसे कि स्प्रिंग है, या प्रैक्टिकली हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसकी बॉडी में, शेप में, बॉडी जो होती है, शेप और साइज बॉडी की होती है, चेंज होती है। जैसे कि स्प्रिंग को हम खींचते हैं या दबाते हैं तो स्प्रिंग खींचने पे बड़ी होगी और दबाने पे स्मॉल साइज में आ जाएगी, लेकिन उसको हम छोड़ने पे, डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने पे, वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ओके, इसकी 2 डेफिनेशंस हैं। 1 डेफिनेशन इज द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप साइज बाय अ बॉडी। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रीजन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। अगर हम डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन पे वापस आ जाती है, लेकिन इसकी भी क्या होती है, एक लिमिट होती है। एक लिमिट तक ही उसको हम प्रेस कर सकते हैं, यानी कि फोर्स लगा सकते हैं, अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। ओके, एक आपका अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, स्टील और रबड़ में किसका इलास्टिक मोर है, तो आंसर आएगा स्टील का इलास्टिक ज़्यादा होता है। ब्रैकेट में हमने क्लोज करके लिख रखा है कि स्टील हैज मोर इलास्टिसिटी ई दैन रबड़। ओके, आप देखिए, ये आपका एक स्प्रिंग है, हमने इसको खींच रखा है, इसमें लिखा है कि वाई इलास्टिसिटी, कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम डीफॉर्मिंग फोर्स करते हैं। डीफॉर्मिंग फोर्स यानी कि एक्सटर्नल जो फोर्स लगाते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं उसको। उसमें क्या होते हैं, जो अंडर इंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटर मॉलिक्यूल्स जो फोर्स होती है वो इसको कंप्रेस करती है और खींचती है। ओके, आप देखिए, इसमें एक ग्राफ बना हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से देखिए ये इस तरीके से, ऊपर वाले जो ग्राफ है आपका पॉजिटिव है, नीचे वाले में आपका नेगेटिव है। आर जीरो डिस्टेंस पे है, स्टेबल कंडीशन में हो गई, मिनिमम पोजिशन कैसी आ गई, स्टेबल। मिनिमम पोजिशन पे क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल हो जाती है। जो R लिखा हुआ है इंटर मॉलिक्यूल डिस्टेंस है, ठीक है। आप देखिए, आपका अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेस और स्ट्रेन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, जो हमने रीस्टोरिंग फोर्स लगाई है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि इसमें जो स्ट्रेस का फॉर्मूला आएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ आर अपॉन ए, ठीक है। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, रीस्टोरिंग फोर्स या डीफॉर्मिंग फोर्स, वो किसके इक्वल होगी, रीस्टोरिंग फोर्स के, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ आर अपॉन ए, एफ यानी कि आपका क्या है, आपका फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या, एक टेंसर क्वांटिटी है। ओके, अब आपके क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सेकंड वाला आपका शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, थर्ड वाला क्या है आपका, वॉल्यूम स्ट्रेस। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल। इसका अदर नेम इज अ टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड थर्ड इज अ वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में देखिए, हमने एक रॉड ली जिसमें हमने फोर्स लगाई और आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अंदर की ओर क्या हो रहा है, प्रेस हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। नीचे वाले में देखिए, इसको हमने कंप्रेस किया, यानी कि प्रेस किया, दबाया, उसमें जो फोर्स हो रही है वो अंदर की ओर दब रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के पास, देखिए, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, एक हमने खींचा, एक हमने दबाया, यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू क्या आया, एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। सेकेंड वाला स्ट्रेस देखिए, शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस,
ये देखिए हमने एक सिलेंडर बनाया हुआ है, इस पर हमने आगे से देखिए एफ लिखा हुआ है, फोर्स लगाया जो टिल्टेड थोड़ा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें जो टेंजेंशियल फोर्स आई एफ टी अपॉन ए इज इक्वल टू वो सिग्मा के इक्वल हुआ। देखिए हमने एक साइड में क्यूब भी बना रखा है, इसको भी हमने थोड़ा टिल्टेड यहाँ से फोर्स लगाया तो टिल्टेड शिफ्ट हुआ, तो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा। थर्ड नंबर आपका क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस। हमने कोई एक सॉलिड लिया, लिक्विड में आपका है रखा हुआ है जिस पे हमने फोर्स लगाया, अंदर की ओर प्रेस हो रही है, तो इसमें भी सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ अपॉन ए। तीनों कंडीशन में सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए और एफ अपॉन ए। लेकिन जो इसमें एफ अपॉन थर्ड वाली कंडीशन में एफ अपॉन ए वो इक्वल पी के इक्वल है, बिकॉज ऑफ क्योंकि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो एक प्रेशर है, क्या है, एक प्रेशर मतलब उस पर लग रहे हैं, तो जो बाहर है प्रेशर पी और अंदर क्या है पी नॉट, पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू हम किसी भी दो डिफरेंस वैल्यू को हम डेल पी भी बोल सकते हैं, पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू डेल पी। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन ई इज इक्वल टू आपका क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। जो भी चेंज हुआ डायमेंशन में वो ऊपर आएगा और जो नीचे है वो आपका ओरिजिनल डायमेंशन आएगा, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। अब ये भी कितने होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें हमने एक रॉड लिया, एल लेंथ का है, इस पर हमने फोर्स लगाया तो आपकी ये रॉड क्या हुई, थोड़ी खींच के नीचे आ गई। जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, डेल एल का हुआ, तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन यानी कि डेल एल अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन यानी कि एल। ओके, तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल। सेकेंड वाला है आपका शेयर स्ट्रेन। वो एक सिलेंडर है, हमने फोर्स लगाया, टिल्टेड शिफ्ट हुआ, जितना शिफ्ट हुआ डेल एक्स, और लेंथ कितना हो गया आपका एल, और ये एंगल क्या बना रहा है थीटा। इसमें आपका ई इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल एक्स चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन अपॉन एल। यहाँ डेल एक्स क्या है, वेरी स्मॉल है, और यहाँ पे डेल एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा, बेस अपॉन लेंथ आता है। अगर डेल एक्स आपका वेरी स्मॉल है तो टेन थीटा भी क्या होगा, वेरी स्मॉल, टेन थीटा वेरी स्मॉल, तो वहाँ टेन थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, थीटा, जो कि आपका किस में आएगा, रेडियन में। तो ई स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन एल इज इक्वल्स टू थीटा के इक्वल होता है। ये देखिए आपका ऊपर हमने एक लिख रखा है, साइन थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो वो किसके हो जाएगा, थीटा के। ऐसे ही टेन थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर आपका है वॉल्यूम स्ट्रेन। वही हमने एक सॉलिड लिया, लिक्विड में आपका है प्रेशर, ये फोर्स लगा रहे हैं हम अंदर की ओर, तो इसमें जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो डेल वी, और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है आपका, वी इक्वल्स टू स्ट्रेन। इस पर हमने नेगेटिव साइन क्यों लिया है, क्योंकि जो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम आपका अंदर वाला है यानी कि वो छोटा वाला जो सर्किल बना हुआ है, और इनिशियल जो आपका बाहर वाला है, प्रेस करेंगे तो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा यानी कि वो फाइनल वाला होगा। फाइनल में से अगर इनिशियल वेलोसिटी हम माइनस करते हैं, वॉल्यूम को माइनस करते हैं, तो वैल्यू किस में आएगा, नेगेटिव में। ओके, इसीलिए हमने ये नेगेटिव साइन शो किया है। आप देखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू हमारा क्या निकला था, एफ अपॉन ए, एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन ए, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन जो हमने अभी अभी पढ़ा, फर्स्ट वाले के लिए डेल अपॉन एल, लॉन्गिट्यूडनल के लिए, शेयरिंग के लिए आपका डेल एक्स अपॉन एल, और वॉल्यूम के लिए माइनस डेल वी अपॉन वी। ओके, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता, स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए हम कॉन्स्टेंट लिया ई, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई स्ट्रेन, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एक लिमिट होनी चाहिए। ओके,
तो यहाँ से E का वैल्यू क्या निकल के आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वेयर E इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, और ये क्या है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा, स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता, तो इलास्टिसिटी का यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए हमने साइड में एक ग्राफ बना रखा है, स्ट्रेन आपका एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में आपका स्ट्रेस है, हमने ग्राफ लिया, आपके काफ़ी हद तक ये क्या है प्रोपोर्शनलिटी, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। फिर ऊपर जाके क्या ले लेते हैं, ये कर्व ले लेते हैं, तो एक लिमिट होनी चाहिए, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यही आपका इसमें स्लोप जो बन रहा है आपका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू ई। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो आपके स्ट्रेन भी थ्री टाइप्स के हो गए, स्ट्रेस भी थ्री टाइप्स के हो गए, जो ई यहाँ पे निकल के आया है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी आपके थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हम नीचे पढ़ेंगे अभी। देखिए आपका सबसे पहला क्या आएगा, यंग जो लॉन्गिट्यूडनल में आता है वो आपका आएगा यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकेंड वाला शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और थर्ड वाला बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, यंग मॉड्यूलस में हम क्या लेते हैं, रॉड फोर्स लगाया, हल्का सा डेल एल शिफ्ट हुआ, तो इसमें इसका यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का ये सिंबल क्या है, गामा, इसको क्या बोलते हैं हम, गामा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है आपका, जो हमने फर्स्ट वाला स्ट्रेस में पढ़ा था, सब में एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए आया था, एफ अपॉन ए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था, डेल अपॉन एल, डेल एल तो आपका वही रहेगा, एल कहाँ पहुंच जाएगा आपका ऊपर। ओके, जिसको हम गामा से डिनोटेट करते हैं। अब सेकेंड वाला आपका शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम जी से डिनोटेट करते हैं, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन जी, तो एफ टेंजेंशियल अपॉन ए, एल अपॉन डेल एक्स अपॉन एल, डेल एक्स आपका नीचे, एल कहाँ पहुंच गया ऊपर, जो हमने डेल एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू हम किसके माना था, थीटा के, बिकॉज ऑफ डेल एक्स इज वेरी स्मॉल। ओके, तो यहाँ से जी इज इक्वल टू क्या निकल के आया, एफ अपॉन ए थीटा। ओके, और वेयर जी इज इक्वल टू आपका ऊपर हमने लिख रखा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, अब इसका थर्ड वाला पॉइंट है आपका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, एफ अपॉन ए, डेल वी अपॉन वी, वी ऊपर पहुंच गया, डेल वी हमने माइनस में लिया था, आपने देखा था जो एफ अपॉन ए हमने थर्ड वाले में वॉल्यूम में जो लिया था उसमें हमने डेल एफ अपॉन ए को हमने क्या माना था, प्रेशर माना था, क्या माना था, पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू क्या था, इधर हमने लिखा था, इधर देखिए आप ये वाला फर्स्ट वाले में P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू डेल P, यानी कि जो F अपॉन A है वो एक प्रेशर ही है, तो हमने F अपॉन A को हमने क्या लिख दिया, डेल P इंटू वी अपॉन डेल V, किस में आया आपका, नेगेटिव में। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम नहीं फिनिश करते हैं। ओके,